वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब सेफ होंगे, घर पर होंगे। तो प्लीज़ कोरोना से फाइट करने में अपनी कंट्री की हेल्प करिए, घर पर ही रुकिए, सेफ रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। सो आज हम पढ़ेंगे वेट के बारे में। वेट, वेट मतलब वजन। तो वेट क्या होता है? वजन। कोई भी चीज, कोई भी थिंग जो होती है, सबका अपना एक वेट होता है। जो वेट होता है वो क्या होता है? हमारे अर्थ की ग्रेविटी के वजह से हर एक चीज का अपना एक पर्टिकुलर वेट होता है, वजन होता है। मास और ग्रेविटी से हमें मिलता है वेट। तो हर एक चीज का अपना एक अलग वेट होता है। तो इस वेट को हम मेजर करते हैं ग्राम्स और किलो ग्राम्स में। जो वेट हम मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं ग्राम्स या किलो ग्राम्स में। जैसे आपने सुना होगा कि एक किलो वेजिटेबल, एक किलो पोटैटो चाहिए, या 500 ग्राम फ्लोर लेना है। तो ये क्या है? वेट है। ये सब चीज़ें हम वेट के हिसाब से लेते हैं। जो ग्राम होता है उसे हम स्मॉल लाइटर थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ग्राम जो होता है वो हल्की चीजों के लिए यूज होता है। ग्राम लाइटर और चीज के लिए यूज होता है और इसे डिनोट करते हैं जी से। और जो किलोग्राम्स होता है वो हैवियर चीजों के लिए यूज होता है। मतलब जो ज्यादा चीजें होती हैं भारी, तो हम किलोग्राम यूज करते हैं और इसे लिखते हैं के जी। कहते हैं ना, 1 kg ये दे दो, 500 grams। तो ये होता है ग्राम्स, जी से डिनोट करते हैं। किलोग्राम्स के जी से डिनोट करते हैं। के विल बी कैपिटल, जी विल बी स्मॉल। तो ग्राम्स लाइटर थिंग्स के लिए यूज करते हैं और किलोग्राम्स हैवियर। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्पून का वजन करना है या बुक्स, एक सिंगल बुक का वजन करना है, पेयर ऑफ शूज हो गए, या छोटा सा कोई किट हो गया, पेंसिल बॉक्स हो गया, तो ये सब लाइटर, लाइट वेट वाली चीजें हैं। तो इनको ग्राम्स में वे करेंगे और एग्जाम्पल, जैसे स्पून का वजन करना है तो जैसे ग्राम्स में किया, किलोग्राम हैवियर चीजों के लिए। जैसे हम अपना बॉडी वेट, जब वेट अपना करते हैं, अपने बॉडी वेट का वे करते हैं मेजर, तो हम केजी में करते हैं। तो जैसे हमारा बॉडी वेट
तो ये हो गया एग्जाम्पल के हम किन किन चीजों का कैसे वेट करते हैं। तो अभी अब देखते हैं थाउजेंड ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg, 1000 grams is equal to 1 kg। अगर आपने कोई सामान 500 grams लिया है तो वो कितना kg हो जाएगा? हाफ kg। आपने शॉपकीपर के पास पे वेइंग बैलेंस देखा होगा जिसपे वो एक तरफ वेट रखता है, दूसरे तरफ चीजों को वे करता है। तो इस वक्त तो हमारे पास वेइंग बैलेंस नहीं है, बट ये एक बुक है और ये एक मार्कर है। तो अब आप बता सकते हैं कि किसका वेट ज्यादा है। तो जो चीज लाइट वेट की है वो ऊपर हो जाएगी और जो चीज हैवी वेट की है वो नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर हैवियर क्या है? हैवियर बुक है। और लाइटर क्या है? लाइट वेट की है ये मार्कर। सो इस तरीके से आप देखकर भी बता सकते हैं कि किसका वेट ज्यादा है। तो आपने वेट मेजर जो करने के लिए शॉपकीपर के पास होते हैं वो आपने ये देखा होगा, ये है बिगर वेट्स जो हैवी थिंग्स को वे करने के लिए यूज होते हैं, जैसे 1 kg, 2 kg, 1 kg हो गया, 2 kg हो गया, 10 kg हो गया, 5 kg हो गया, इस तरह के हैवी वेट के लिए ये यूज होते हैं। एंड दीज आर द स्मॉल वेट्स विच आर यूज टू वे लाइट थिंग्स लाइक 50 grams, 100 grams, 250 grams, 500 grams। तो इस तरीके से ये जो मेजरिंग वेट्स हैं इनका यूज शॉपकीपर करते हैं। अब आप अपना बॉडी वेट करके देखिए कि आप कितने केजी के आते हैं। तो ये हो गया हमारा वेट जो हमें कुछ केजीज और कुछ ग्राम में मिलेगा। जैसे आपका वेट कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आया 30 kg एंड 200 grams। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का वजन या वेट करते हैं और जिसे हमेशा किलोग्राम या ग्राम में ही मेजर करते हैं। इससे भी कम यूनिट होती है, ग्राम से भी कम होती है मिलीग्राम, जिसे mg से डिनोट करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम क्वांटिटी में चीजों को मेजर करना हो तभी यूज होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।